पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए के नए वीसी शैलेश कुमार ने यहां पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का तत्परता से निस्तारण और विकास कार्यों को तेजी से करने की बात कही। इससे पहले वो झांसी के सीडीओ रहे हैं। कार्यभार संभालने के साथ ही उनके पास कई चुनौतियां भी रहेंगी। सबसे अहम कार्य मास्टर प्लान होगा। 5 माह से अधिक समय से लटके इस मास्टर प्लान को लेकर आपसी सहमति न बन पाने के कारण ही पूर्व में यहां वीसी के पद पर तैनात रहे मधुसूदन फुलगी का स्थानांतरण हुआ है। शैलेश कुमार के सामने आपसी तालमेल के साथ शासनादेश के मुताबिक मास्टर प्लान को फाइनल करू से जल्द बोर्ड की बैठक में रख कर पास करा कर शासन को भेजना होगा। इस संबंध में दायर PIL में भी MDA की ओर से प्रबल पैरवी की चुनौती भी रहेगी। शैलेश कुमार ने बताया कि मास्टर प्लान समेत शासन की प्राथमिकता वाले सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। MDA से संबंधित लोगों की शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करना, पहले से बनी कॉलोनियों को विकसित कर उन्हें आबाद कराना और कुछ नई कॉलोनियों को विकसित करना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष के तौर पर मैंने आज प्रथम दिन मेरा ऑफिस में है और मैं अपनी टीम से यहाँ पर मिला। टीम से मिलकर के मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि सभी लोग बड़े प्रोफेशनल उसके हैं और एक्सपीरियंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम के तौर पर काम करने में हमें जो है डिजायर्ड आउटपुट मिले। जो प्राधिकरण की ओर से यहाँ मुरादाबाद की जो आमजन है उनको जो जो सेवाएं यहाँ से मिलती हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन सेवाओं को स्ट्रीमलाइन करके उनको समयबद्ध तरीके से पारदर्शी तरीके से वो सेवाएँ प्राप्त हो। जो जनता की समस्याएं हैं उनका निस्तारण थोड़ी त्वरित गति से हो, समयबद्ध ढंग से हो और गुणवत्तापूर्ण हो, हर प्रकार की पारदर्शिता लाई जाए फंक्शनिंग में। ये मैंने अपनी टीम से भी आह्वान किया है और यही आह्वान मेरा जो हमारे यहाँ की जनता से भी है, जिनको कोई भी अगर किसी तरह की आवश्यकता है तो उपाध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं भी अगर हूँ। मेरी अपनी पूरी टीम जो है मैंने उनसे बात कर ली है। शुरुआती हमारा फैक्ट इसी बात का है कि सभी लोगों को जो है अवेलेबल रहना है और पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।